एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 22nd ऑफ जनवरी का साइंस और टेक्नालिसिस को हम शुरू करते हैं। जो द हिंदू का एक सेक्शन आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है जॉर्जस लेमायर का, और इसमें जो जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित किया था उनके इंटरव्यू के कुछ हिस्से जो 1964 में कैप्चर किए गए थे, इंटरव्यू लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनके हिस्से गायब हो गए हैं, पर फिलहाल उनको रीडिस्कवर किया गया है और उसके बारे में यहाँ कुछ डिस्कशन है और इस थ्योरी के बारे में बात हो रही है। बट ऑन 31st December 2022 द ब्रॉडकास्ट इन बेल्जियम रिपोर्टेड दैट इट हैड रीडिस्कवर्ड द वीडियो एंड दैट वीडियो कुड नॉट बी फाउंड अर्लियर बिकॉज इट हैड बीन मिसक्लासिफाइड, इसलिए पहले वो नहीं मिल रही थी। इट ऑल्सो पब्लिश द 20-मिनट कॉन्वर्सेशन ऑन इट्स वेबसाइट प्रॉम्प्टिंग अ फ्लरी ऑफ इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वाई उसको देखते हैं। सो उसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात हुई है। इट वॉज बिकॉज लेमायर वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द बिग बैंग थियोरी ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन, उस वीडियो में बात हुई थी जो उन्होंने रिलीज करी। एंड यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन जो यूनिवर्स और ब्रह्मांड के ओरिजिन का कारण है, एंड डिराइव्ड एन इम्पॉर्टेंट लॉ, इसे एक इम्पॉर्टेंट लॉ निकल के आता है दैट कॉस्मोलॉजिस्ट स्टिल यूज टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ गैलेक्सीज अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसका जो बेसिक आधार है वो यही लाइन है कि जो गैलेक्सीज का जो मोशन है, मोशन ऑफ गैलेक्सीज अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। कैसे? तो आप देखिए कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में एक बिग बैंग हुआ था। बैंग मतलब हिट, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसा हुआ, हिट हुआ बहुत बड़ा। और उसके साथ वक्त के साथ ये जो हमारा जो मैसिव जो बिग बैंग होने के बाद एक्सपेंशन है ब्रह्मांड का, वो कंटिन्यू है, होता चला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एक पिक्चर बनी है कि वास्ट तरीके से एक बड़े एरिया में ये फैलता जा रहा है। एंड बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ एडविन हबल, जॉर्जस लेमायर एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, इन तीनों के इन्फॉर्मेशन को जोड़ करके इस थ्योरी को बनाया गया। ये पिक्चर मुझे गूगल से मिली है, आप ही डबल चेक कर सकते हैं। ऑल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स कंटेंट इन वन स्पॉट, वो कह रहे हैं कि जितने भी मैटर है विश्व का वो एक ही जगह पर है, लेकिन इस बिग बैंग थ्योरी के बाद से ये चीजें आपस में हिट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, आपस पे एक्सपैंड करती जा रही हैं। और इस एक्सपेंशन के चक्कर में कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो डाइल्यूट हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो मैटर्स है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही एक बैंग से हुई है, या ब्लास्ट से हुई कह सकते हैं, विस्फोट से हुई है। तो उस केस में जो चीजें, इसमें जो मैटर्स हैं, ये सारे मैटर कहिए, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज आपको दिख रही हैं, स्टार्स दिख रहे हैं, ये सारे मैटर कहे जाते हैं। ये सारे मैटर आपस में बैंग भी करते हैं और डाइल्यूट भी होते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सारे के सारे नहीं बढ़ते, आप देखेंगे कि कुछ यहाँ जगह खाली सी दिख रही है, सारे के सारे पिक्चर्स फिल नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कुछ मैटर्स यहाँ डाइल्यूट भी होते हैं आपस में। So Arnaud Penzias and Robert Wilson discovered cosmic microwave background radiation in 1965. ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, इसको उसमें ये बाद में हुआ, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन है हमारे लेमायर, उन्होंने इस बात को इस थ्योरी को दिया। टू टिडबिट्स फ्रॉम द इंटरव्यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस इंटरव्यू से निकल के आए जो हमारे लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, लेमायर डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स बाय विच द बिग बैंग थ्योरी रिप्लेस्ड स्टेडी स्टेट थ्योरी, मतलब जो बिग बैंग थ्योरी है वो स्टेडी स्टेट थ्योरी को रिप्लेस करती है। अंडर विच फ्रेड हॉयल एंड अदर्स क्लेम दैट यूनिवर्स वॉज स्टैटिक, और ये स्टेडी थ्योरी क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो स्टैटिक है, एक जगह है, ठीक है, मतलब वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है। दैट द गैलेक्सीज दैट वर देयर हैड ऑलवेज जस्ट बीन देयर, जो गैलेक्सीज है हमारी, जो आकाश गंगाएं हैं, वो जहां थी वो हमेशा वहीं पर है, वो एक्सपैंड नहीं कर रही हैं, स्टैटिक है। और लेमायर ने कहा, जो फ्रेड हॉयल और उनके साथ के लोगों ने कहा कि ये स्टेडी स्टेट थ्योरी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, वो स्टैटिक है। बट बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो लेमायर ने दिया, उन्होंने कहा कि ये एक्सपैंड कर रहा है और इसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई है, और जो मोशन ऑफ गैलेक्सीज है वो अवे फ्रॉम ईच अदर, दूसरे से अलग अलग है, अवे एक दूसरे से अलग, ओके, एक्सपेंशन की वजह से आगे बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है, ये उन्होंने बिग बैंग में बोला। नाउ स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है? एज लेमायर रिकाउंट्स विद सम ड्रामेटिक फ्लेयर, हॉयल हैड डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द अर्ली यूनिवर्स, और क्योंकि इंटरव्यू सेशन में कुछ पॉइंट मेंशन किए कि जो हॉयल थे, जो रिसर्चर थे, उनको ये बताने में कुछ दिक्कत पेश आई कि अर्ली जो पहले के जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से ही, हाइड्रोजन जरूरी होता है स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में और उसके एक्सपेंशन में, या उनके परिवर्तन में, ऐसा कहिए,
हाइड्रोजन की मुख्य भूमिका है। अगर आप देखें कि कोई बिग बैंग कहीं होता है, ब्लास्ट होता है, तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज सबसे ज्यादा उसके अंदर होता है। ऑक्सीजन से आग जलाने का काम होता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड में अगर आप जाकर के देखिए उसकी ज्योग्राफी को पढ़े तो हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंस ज्यादा है। बट द स्टेडी स्टेट थ्योरी कुडंट से वेयर, लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बता नहीं पाई कि एक्चुअली कहाँ पे हाइड्रोजन वॉज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म द फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सी। उनके उसके प्रेजेंस को ये स्टेडी थ्योरी नहीं बता पाई। और यहीं से एक टर्न आया दैट लमैर्ड इज टेलिंग हॉयली सॉर्टेड टू क्लेम दैट लमैर्ड सेड ही कुडंट पिक्चर। वो जो बोल रहे थे उसको वो पिक्चर नहीं कर पाए। तो हमारे लिए सवाल ये है कि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है, कि मतलब ब्रह्मांड स्टैटिक है और गैलेक्सीज भी स्टैटिक है, और जो बिग बैंग है वो कहते हैं कि वो एक्सपैंड कर रहा है, वो आगे एक्सपैंड करता जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पस है, फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको रिवाइज करिए। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि लमार रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट द बिग बैंग थ्योरी इम्प्लाइज फॉर हिज रिलीजियस बिलीव। अब उन्होंने क्योंकि उस समय की जो पढ़ाई लिखाई होती थी, चाहे आप अगर आप शुरुआत से ज्योग्राफी को समझें, तो ये कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस बिलीफ से कनेक्ट करता था। ध्यान दीजिएगा, समय का परिवर्तन, तारों का परिवर्तन और ग्रहों का परिवर्तन, ये सब कुछ उनके रिलीजियस बिलीफ से कनेक्ट करता था। तो ये भी लाइन एक इंपॉर्टेंट है कि क्या बिग बैंग थ्योरी रिलीजियस बिलीफ को कनेक्ट करती है। तो जी हाँ, करती है उस समय के हिसाब से। आज करती या नहीं करती नहीं पता, उस समय उनकी जो विचारधाराएं थी वो उनसे जुड़ी हुई थी। सो इम्प्लाइज फॉर हिज रिलीजियस बिलीफ बाय फोकसिंग ऑन मोमेंट ऑफ आर यूनिवर्स क्रिएशन व्हेन वन। तो उन्होंने कहा कि बिलीव बाय फोकसिंग ऑन द मोमेंट, मतलब जो मूवमेंट है हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन का, वो क्या हमारे रिलीजियस बिलीफ की वजह से फोकस उस पे आता है हमारा, या हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा व्हेन वन पजेस द प्रॉब्लम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेस विद अ रादर एसेंशियल डिफिकल्टी। तो अगर हमने, उन्होंने कहा, जो प्रॉब्लम शुरुआत से विश्व के लिए तैयार हुई है, वन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेस विद अ रादर एसेंशियल डिफिकल्ट टू आस्क वन सेल्फ व्हाई डिड इट बिगिन एट द मोमेंट, व्हाई डिड नॉट इट स्टार्ट ए लिटिल अर्लियर। तो सवाल ये उठता है कि जब आप शुरुआत से उस समस्या को समझ रहे हैं विश्व के लिए, तो समस्या डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है कि खुद से कोई ये पूछे कि ये अभी क्यों, व्हाई डिड इट बिगिन एट द मोमेंट, ये अभी क्यों हो रहा है, कुछ समय पहले क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने इसको रिलीजियस बिलीफ में ये सवाल को बोला था। ठीक है, हमारे रिलीजियस बिलीफ का कॉन्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उन्होंने क्या बोला, समझने वाली बात ये है कि वो जो बिग बैंग थ्योरी है उसका एसेंस क्या रिलीजियस कॉन्टेंट से कनेक्ट करता है, तो शायद करता है, यस हाँ करता है। साथ ही साथ बिग बैंग क्या है और स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है, साइंस में इंपॉर्टेंट बनती है। हिज आंसर द बिगिनिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड दैट सच अ क्वेश्चन डज नॉट रेज। ये मैं कह रही हूँ कि आज उन्होंने सवाल का आंसर दिया, आज के समय में उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, और इसीलिए हमको उसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से उसको ज्यादा देखना चाहिए। नाउ स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है, इस कॉस्मोलॉजी अ व्यू दैट, ये एक व्यू है, एक जैसे कि हॉयल ने, उनके रिसर्चर्स ने इस बात को बोला, क्या बोला कि व्यू दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग बट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी। ध्यान दीजिए, इनके बीच में गैप आप देख रहे हैं कि इनके बीच में एक गैप है, वो कांस्टेंट है और इनके बीच में एक डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी है, विथ मैटर बीइंग कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड टू फॉर्म न्यू स्टार्स। और जो हमारा मैटर, जिसे जा रहे सारे पार्टिकल्स को मैटर ले सकते हैं हम, मैटर जो भी है सब्सटेंस है, वो बराबर से नए सितारों को और गैलेक्सीज को क्रिएट कर रहा है, द सेम रेट दैट ओल्ड वंस बिकम अनऑब्जर्वेबल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ रिसर्च। मतलब वही बात कि नए पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं या फिर नए स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं और गैलेक्सीज क्रिएट हो रही हैं, बट पुराने वाले जो मैटर है, पुराने स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, वो अनऑब्जर्वेबल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने वाले जो आपके सब्सटेंस हैं, तो ये तो बिग बैंग है, बिग बैंग की बात नहीं करते यहाँ पे आते हैं। अगर आप दोनों फर्क देखिए कि ये सारे के सारा जो मैटर, यहाँ देखिए पूरे में मैटर फिलअप है, इसमें मैटर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ जगह खाली आपको दिख रही है। तो स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी कहती है कि मैटर इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड एज अ यूनिवर्स एक्सपैंड, कि वो जैसे 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 एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे वैसे पुराने पुराने जो जो आपके ओल्ड वाले जो पार्टिकल्स हैं या फिर आपके ये मैटर है, वो नए को जन्म दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा एक जगह रिप्लेस हो रहा है। बट बिग बैंग कॉस्मोलॉजी कहती है मैटर डाइल्यूट्स एज द यूनिवर्स एक्सपैंड्स, कि जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन होता है यूनिवर्स का, तो वो आपस में भिड़ते हैं और नए को क्रिएट करते हैं, आपस में भिड़ते हैं, नए को क्रिएट करते हैं, वो रिप्लेस नहीं करते हैं, वो आपस में भिड़ करके नए को क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या है, एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे
कि जो डाइल्यूशन भी हो रहा है पुराने पार्टिकल्स का या पुराने मैटर का, जो वर्ड अब यहाँ यूज किया जाता है, पुराने मैटर का डाइल्यूशन भी हो रहा है. सो स्टेडी स्टेट कहती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे आपको हर जगह कहीं ना कहीं स्पेस दिख रहा है. इसका मतलब जो मैटर्स है वो आपस में बैंग करते हैं या फिर आपस में कोलाइड करते हैं और नई चीज क्रिएट होती है, और इसी तरह हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता चला जा रहा है. बट स्टेडी स्टेट कहती है कि इनके बीच में क्या है, कॉन्स्टेंटली क्रिएशन तो है, एक्सपेंशन तो है यूनिवर्स का, पर क्या है, पुराना वाला जो है दूसरे वाले को जन्म दे रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जन्म तो यहाँ पे भी हो रहा है नया मैटर का, लेकिन पुराना वाला कुछ मैटर डाइल्यूट भी हो रहा है, गायब भी हो रहा है. तभी आप देखिए यहाँ पे कुछ ही अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है. और ये जो कह रहे हैं ना कि रिप्लेस हुआ है, यही तो इसका एसेंस है. तभी वो कह पा रहे हैं रिप्लेस हो गया, मतलब वो जहां थे वो अभी भी वही है. अगर एक गैलेक्सी ने दूसरी गैलेक्सी को जन्म दे दिया तो एक ही जगह बी ले लिया, तो स्टैटिक पोजीशन हो गई ना, इसमें चेंज कहाँ आया. और वो कह रहे हैं कि जो दूसरी बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ए और बी अगर कोलाइड करते हैं तो सी का जन्म हुआ, तो बी गायब हो गया, ए रहा और सी रहा, मतलब बी का एक्सपेंशन खत्म हो गया, ये कहती बिग बैंग थ्योरी. तो यही इसका मेन डिफरेंस है. तो स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी को याद रखिएगा, हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट है. और हमारे जो इसके प्रतिपादक है लमायर को भी याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछा जा सकता है. दूसरा हमारा न्यूज है आज साइंस और टेक में, विच इज अबाउट लो टेम्परेचर इन ऊटी. जो वहाँ के फिंगर पोस्ट में कैप्चर किया गया टेम्परेचर को, वो काफी जो है नॉर्मल लेवल से काफी नीचे चला गया, उसके बारे में है. और फिंगर पोस्ट जो होता है, आप ध्यान दीजिए, फिंगर पोस्ट ऐसे कुछ बने हुए जो एक तरीके का साइनिंग पोस्ट होता है, जहां पे डायरेक्शंस बताई जाती है, उसमें कैप्चर होता है टेम्परेचर भी, तो वो हमारा फिंगर पोस्ट कहा जाता है. तो उसमें हमारा कैप्चर होता है टेम्परेचर, उसको यहाँ मेंशन किया गया है, फिंगर पोस्ट वो चीज होती है. तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना कम क्यों जा रहा है, तो वो इसका जवाब वहां के साइंटिस्ट ने, आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट ने और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरिन के साइंटिस्ट ने बोला कि इसका जवाब इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में क्रिएट हो रहा है. वो क्या है कि दिस मीन्स हेडी विंड्स ब्लो वार्म वाटर ऑन सी सर्फेस अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड रफली ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर. ध्यान दीजिएगा, एनसो को हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसी में आता है स्टडी अलनीना की, अलनीना और एल नीनो, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ बताया जा रहा है. तो कह रहे हैं कि जो ये वी आर इन द ला नीना एयर विंटर, सॉरी, हम ला नीना वाले इंटर सेशन में है, विंटर सेशन में, जिसकी वजह से ठंड का इतना प्रकोप है. और कहना क्या चाह रहे हैं, दिस मीन्स हेडी विंड्स ब्लो वार्म वाटर, मतलब जो गर्म पानी की धाराएं हैं वो है, वो क्या है, सी सर्फेस अवे फ्रॉम साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से के मेन लैंड से दूर जा रही है, रफली ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर. इक्वाडोर से गर्म पानी की धाराएं मूव कर रही है, ये देखते हैं. तो इक्वाडोर हमारा इक्वेटर यहाँ पर है, तो ये गर्म पानी की धाराएं ऐसे इस तरह से मूव कर रही हैं, और ये जब मूव करके इधर आएंगी तो ये इस तरफ आएंगी. ध्यान दीजिएगा, यहां से आकर के ये पैसिफिक ओशन है, ये मूव करके यहां से इस तरफ आएगी. तो इस वजह से जो जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो ला नीना विंटर्स की सिचुएशन है, और उसका अपोजिट एल नीनो होता है, जहां गर्म हवाएं बढ़ती हैं और सूखे की घटना घटती है. ठीक है, आगे समझेंगे इसको. दिस हीट मूवमेंट अक्रॉस द पैसिफिक हैज ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस. वो कह रहे हैं कि जो हीट मूवमेंट अक्रॉस, जो ये गर्म हवाओं का जो उद्गम होता है, तो अभी तो ला नीना वाले सिचुएशन में है, पर ये एल नीनो को रेफर कर रहे हैं कि जो हीट मूवमेंट अक्रॉस होता है पैसिफिक ओशन से, उससे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है. ओवर इंडिया, भारत पे ला नीना कैन इंटेंसिफाई समर मॉनसून. जो हमारा ला नीना का जो प्रभाव है वो होता है कि समर मॉनसून को इंटेंसिफाई और ज्यादा बढ़ा देता है, समर मॉनसून को ब्रिंग एक्सेस रेनफॉल एंड कॉजेस कोल्डर विंटर्स. और जो ठंड है वो ज्यादा पड़ती है और रेनफॉल बढ़ता है. तो अभी जो समय चल रहा है ऊटी के लिए या भारत के लिए, वो ला नीना विंटर्स का मौसम चल रहा है, इसलिए ठंड ज्यादा पड़ रही है, और ये मेन कारण. इन अर्ली 2022 द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO ने कहा था, सेड द ऑनगोइंग ला नीना इज अ फर्स्ट इन द 21st सेंचुरी. 2022 की शुरुआत में कहा था कि ला नीना जो समय है, इस 21वीं सदी का पहला ऑनगोइंग ला नीना है. टू स्पैन थ्री कंजेकेटिव विंटर्स, जो तीन कंजेकेटिव विंटर्स तक रहेगा. बट इन अ ब्रेक फ्रॉम द कन्वेंशन द कोल्डनेस इज डीपर इन द साउथ, दिस रिवील्स द सेकंड ड्राइवर. वो कह रहे हैं कि जो ठंड है, जो सन का जो परसेंटेज इतना ज्यादा साउथ में पड़ रहा है, ये कुछ और किसी और सेकेंड ड्राइवर की बात करता है, किसी और इम्पोर्टेंट कहना चाहिए एस्पेक्ट की बात करता है कि इतनी ठंड साउथ में क्यों पड़ रही है. उन्होंने कहा 2022 की शुरुआत में कहा था, तो आप ध्यान दीजिए कि 22 की शुरुआत में, मतलब 22 की सर्दियों की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है,
और अभी हम 23 की ठंड में भी चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि साउथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर 3 कंसेकटिव विंटर्स की बात हो भी रही है तो, क्योंकि साउथ का तो एटमोसफियर वैसे भी सी शोर की वजह से वहां पर ठंड का इतना एक्सपेक्टेशन होना डिफिकल्ट है और परसेंटेज होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस केस में ना लानीना इज द ऑपोजिट ऑफ एलिनो। अब इसको ज्योग्राफी वाले पार्ट में आ गए हैं, जैसे कि मैंने कहा एलिनो लानीना का ऑपोजिट होता है, इन विच इक्वेटोरियल वेव वाटर्स ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट बिकॉज अनयूजुअली वार्मर, और क्या होती है बिकम सॉरी उन्होंने कहा जो साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट जो जो है वो अनयूजुअली बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वन इफेक्ट इज दैट इन विंटर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ओवर नॉर्थ इंडिया इज पुश्ड साउथवर्ड्स अलॉन्ग विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू क्रिएट कोल्ड विंटर्स इन द नॉर्थ। और ये कह रहे हैं कि उसका पहला प्रभाव ये होता है कि इन द सर्दियों में सब ट्रॉपिकली जो वेस्टर्लीज चलती है, जो ठंडी हवाएं वेस्टर्लीज चलती हैं ओवर नॉर्थ इंडिया इज पुश्ड साउथवर्ड, वो साउथ की तरफ आ जाती हैं और क्या करती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो मिडल ईस्ट इस तरफ की तरफ आता है टू क्रिएट कोल्ड विंटर्स इन द नॉर्थ, जिससे कभी कभी बारिश भी होती है उत्तर भारत में। बट द लानीना ईयर्स देयर इज अ हाईवे ऑफ चिल विंड कमिंग साउथवर्ड फ्रॉम द साइबेरियन हाई। और लानीना के सालों में जब उल्टा है एलिनो का, तो साउथ की तरफ जो है ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं फ्रॉम द साइबेरियन हाई, साइबेरियन की तरफ ठंडी हवाएं आती हैं। अ कोल्ड हाई प्रेशर ब्लॉक ऑफ एयर दैट इज ऑक्यूपाई द सेंट्रल एशियन रीजन एंड अफेक्टिंग विंड्स कमिंग टू इंडिया। और साइबेरिया की तरफ से यहाँ पे हवाएं आती हैं जो एक हाई प्रेशर ब्लॉक क्रिएट करती हैं और पूरे सेंट्रल एशिया को जो है अफेक्टिंग, जो उसकी वहां से आने वाली हवाएं हैं ठंडी हवाओं से घेर लेती हैं। तो ये आप यकीन मानिए एक शब्द इस पैराग्राफ का प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉन्सेप्ट अगर सही हैं ज्योग्राफी को समझने के तो ये आप समझेंगे वरना डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए मैंने एक शब्द आपको समझाया है और आगे भी और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी आप अपनी जीएस की ज्योग्राफी के जहां से आप नोट्स बनाते पढ़ते हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो देखिए नॉर्मल ईयर क्या है कि इक्वाडोर की साइड यहाँ ठंडे पानी की धारा यहाँ से उठ रही है, ऐसे जाती है और यहाँ पर इक्वेटोरियल निकला, यहाँ पे आती है और ये पानी की धारा ऐसे मूव करती है, ऑसिलेशन कहते हैं इसको, यहाँ से वहां मूव कर रही है और यहाँ पे गर्म पानी का सेंटर बनता है और इससे यहाँ पे बारिश होती है। नॉर्मल ईयर की बात हो रही है ये, इसको लानीना भी आप कह सकते हैं। और उल्टा क्या है कि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ठंडे पानी की जगह ये उल्टा यहाँ पे हेडविंड्स इस तरफ की आ रही है और यहाँ पे गर्म पानी का सेंटर बनता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में सूखा पड़ता है, यहाँ बारिश नहीं हो पाती है और इसको कहते हैं एलिनो ईयर। ये प्रभाव भारत पे आता है, जैसे कि यहाँ देखिए वही चीज समझाई गई, हवा देखिए यहाँ से यहाँ मूव कर रही, तो जो गर्म पानी यहाँ पहुंचना था वो यहाँ उल्टा वापस स्टोर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गर्म पानी से वाष्प बनके जो यहाँ पे बाकी के देशों में ठंड बारिश होनी थी, मॉनसून को प्रभाव करता था, वो नहीं हो पाया और यहाँ पे उल्टा पानी मूव करके यहाँ पे इस एक जो आप अगर ज्योग्राफी की डिटेल में जाएंगे तो बहुत क्लैरिफिकेशन शब्द मिल जाएंगे, मैं आपको सिर्फ जनरल टर्म में समझा रही हूँ। तो उल्टा होता है एलिनो के साल में, और लानीना में क्या है जो यहाँ पे जो ठंडे पानी की धारा ऐसे मूव करके फिर से यहाँ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट होता है और उससे वाष्प से उठने वाले जो हवाएं हैं बादल हैं उधर मूव करके बारिश करती है। इस साल में यहाँ पे सूखे की संभावना ज्यादा होती है, तो वही उस चीज को यहाँ बता रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, साउथ में ठंड क्यों पड़ रही है और आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलिनो की स्थिति बन सकती है जैसे उसका अपोजिट। तो इसको आगे देखते हैं कि द साइबेरियन हाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर कोल्ड ऑफ द टुंड्रा एंड हैज बीन नोन टू अफेक्ट द वेदर फ्रॉम इटली टू द फिलीपींस। जो साइबेरियन हाई हवाएं हैं वो टुंड्रा इलाके से मूव करती हैं और वहां के इलाकों को और आसपास जैसे इटली में, फिलीपींस में, यहाँ तक के इलाकों को भी ठंडा करती हैं। बट दिस टाइम अकॉर्डिंग टू हिम इट इज एनोनिमसली स्ट्रॉन्ग, और इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है हमें। इट इज हार्डर टू सिमुलेट और प्रिडिक्ट हाइपर लोकल कंडीशंस, बट द लार्ज लानीना विंटर प्लस अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइबेरियन हाई कंस्पायर्ड टू क्रिएट अ कूलर देन नॉर्मल विंटर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में मतलब अभी लानीना का समय चल रहा है और साइबेरियन हवाओं की वजह से वहां भी ठंड का परसेंटेज ज्यादा है। द टेम्परेचर फर्दर ड्रॉप इन तमिलनाडु इंटीरियर एरियाज थैंक्स टू द विड्रॉल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फ्रॉम जनवरी 12 व्हिच अलाउड द कूलर ड्राई एंड लैंड विंड्स टू स्ट्रेंथन। ठीक है, अब लो प्रेशर थ्रू का बात कर रहे हैं, ये लो प्रेशर ट्राव कि अनलाइक द एलिनो ड्रिवन कोल्ड एयर दैट स्वीपेंस इंडिया बिटवीन द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, लानीना ईयर्स द विंडली मोस्ट
tend to come from the north and zip down the pressure through far in the peninsular India. वो कह रहे हैं कि अनलाइक मतलब एलिनो की बजाय जो ठंडी हवाएं आती हैं इंडिया बिटवीन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो हवाएं हैं वो लानीना के सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड को लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर दबाव कम होता है हवा का और पूरे पेनिनसुलर इंडिया में एक ठंड का जो वेदर है वो क्रिएट हो जाता है. Now, scientists expect climate change to affect El Nino and La Nina, but the precise mechanism are under study. ठीक है, तो इस चीज ये हमारे लिए प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सवाल पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएंगे. और यही हमारा साइंस और टेक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का था. आगे देखते हैं, जिसमें हमारे ये कहा जा रहा है कि इंडिया में नंबर्स क्यों नहीं बढ़े कोविड के, क्योंकि तो कई अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था कि हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से हमारे केस नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम लोग इंटरनली बहुत इम्यून हो गए, स्ट्रांग हो गए हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से. तो एक वो कारण है. और फिर कह रहे हैं कि डेली केसेस आर लो डिस्पाइट द न्यूअर ओमिक्रॉन सब वेरियंट रिकॉम्बिनेंट्स पोजेसिंग ग्रेटर इम्यून स्केप एंड ट्रांसमिबिलिटी. जो ये सब वेरियंट है इसने क्या क्रिएट किया है, बहुत ही ज्यादा इम्यून स्केप और ट्रांसमिसिबिलिटी को इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ग्रेटर इम्यूनिटी को स्केप करने की और ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी तो होती है, पर फिर भी हमारे नंबर्स कम हैं. तो उसके बारे में ये आर्टिकल है और इसका जो पिक्चर है सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. इंडिया सेल्स विदाउट सिम्टोमेटिक केसेस सर्जिंग, जो जिस चाइना में बहुत नंबर बढ़ रहे थे, तो जैसे बात हो भी रही थी कि ये कई देशों में पहले से था ये वाला वेरियंट, बट ये ऐसा जरूरी नहीं था कि नंबर बढ़ेंगे, वो हमारे साथ हुआ भी. क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका जो इसकी जो एक वेरिएंट है वो म्यूटेंट वेरिएंट, अगर कोई ऐसा खतरनाक म्यूटेंट वेरिएंट बन जाता है तो वो तो स्प्रेड करता है, पर अगर वो नहीं बना तो ओमिक्रॉन का जो ये वाला वेरिएंट है BA.1 ओमिक्रॉन सब लीनियज, इसका फैलने की उतनी उम्मीद नहीं थी. पर चाइना के केस में कहा जा रहा था कि वहां ये बहुत फैल रहा है, इसलिए वो संक्रमण में आगे संक्रमण ला रहा है, पर उसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं. ये आर्टिकल हमने बहुत डिटेल समझा भी था, अगर आप एडिटोरियल मेरा पढ़ते हैं समझते हैं तो सो आपको आर्टिकल मिल जाएगा. ये दिसंबर का ही आर्टिकल था जहां उन्होंने कहा था कि पॉसिबिलिटी कम है, तो वही हुआ भी है. तो सर्ज इन केसेस आफ्टर द थर्ड वेव वाज सीन बिटवीन मिड जून एंड मिड अगस्त 22, इट वाज कॉज्ड बाय ओमिक्रॉन सबवेरिएंट BA.2.75. अच्छा, इसमें हमारे समझने की जरूरत क्या है कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से वेरियंट ये नहीं फैला. तो है कह रहे हाइब्रिड इम्यूनिटी, मैंने कहा था ना हाइब्रिड इम्यूनिटी फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन हैज अपेरेंटली प्रोवाइडेड सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हाइब्रिड इम्यूनिटी. और हाइब्रिड इम्यूनिटी होती क्या ये भी जरूरी है. इवन न्यूअर ओमिक्रॉन सब वेरियंट एंड सब कॉम्बिनेट्स विद ग्रेटर इम्यून स्केप एंड ट्रांसमिबिलिटी हैव नॉट कॉज्ड, मतलब वो इम्यूनिटी को क्रॉस कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, पर फिर भी उसने वो कॉज नहीं कर पाया. ठीक है, नाउ इसका एक कारण ये भी था कि हमने बहुत लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन किया था, जिसकी वजह से कवरेज उतना उसका नहीं आ पाया. इन्फेक्शनेशन फॉलोड बाय इन्फेक्शन बाय BA.1 ड्यूरिंग द थर्ड वेव BA.2.75 इन मिड 22 में हैव प्रोवाइडेड बेटर इम्यून प्रोफाइल अगेंस्ट अदर ओमिक्रॉन सब वेरियंट्स. तो जो जो प्रोफाइलिंग थी हमारी बॉडी में डेवलप हुई है वो थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव रही, ऐसा कह रहा है आर्टिकल. नाउ एस्टिमेटेड 95% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अबव 12 ईयर्स ऑफ एज हैज डेवलप्ड हाइब्रिड इम्यूनिटी. ये सवाल है प्री का कि हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या चीज होती है. इस पे एक आर्टिकल आया भी था, हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है. और अ कॉन्स्टेंट बट लो परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग इन्फेक्टेड वुड मीन दैट अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपके मेन्स में भी कवर करेंगे कि इस बार जब इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो तभी भी हमारे देश में इसका नंबर्स बढ़कर के क्यों नहीं आए. तो कुछ पॉइंटर्स आप अपने जो आप कहीं पर भी कोविड के नोट्स बना रहे होंगे, सवाल लास्ट ईयर आया है 22 में, तो उससे जुड़े हुए मेन्स के सवाल में इसको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं. आगे देखते हैं, और एक्सटेंशन में थ्रेटन मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी. ध्यान दीजिएगा, मेडागास्कर की कुछ स्पीशीज के बारे में यहाँ बोला गया. और तो सवाल ये आर्टिकल कहता है कि एक्सटेंशन जो चीज जो स्पीशीज गायब हो रही हैं तो मेडागास्कर की बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है, थ्रेट करता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को. और मेडागास्कर फेमस किस लिए है, रिंग टेल लेमूर के लिए. जो अभी पिक्चर देख रहे हैं लेमूर है, ये एक्चुअली इसको लेमूर कहते हैं. तो रिंग टेल लेमूर के लिए फेमस है मेडागास्कर एंड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट शैमलॉन. ये आप देख रहे हैं छिपकली का एक टाइप है. तो वर्ल्ड की विश्व की सबसे छोटी शैमलॉन नाम इसका है.
छोटी छिपकली लिख रही है, वो वहां पे मिलती है, मेडागास्कर में पाई जाती है। मैनी स्पीसीज में फेस इंस्टिंक्शन ओइंग टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। सो स्पीशीज का तो पूरा जहान है, अगर आप आईयूसीएन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लिस्ट पे लिस्ट मिल जाएगी, पर जो चीज न्यूज में होती है अधिकतर वही चीजें भी में पूछी जाती है, इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका नाम है शेमलॉन और ये है रिंग टेल लेमूर जो मेडागास्कर में पाया जाता है। आगे देखते हैं, ये आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है जिसमें लिखा जा रहा है पावरफुल लेजर इन द स्काई हेल्प डाइवर्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स। सो कह रहा है कि अगर अगर आप ध्यान दें कि जो आसमान से बिजली गिरती है तो ऊपर अगर हमारे घरों की छत पे अगर लाइटनिंग रॉड जो आप कभी ध्यान दिया हो, जो नहीं देते आप ध्यान दें कि इस बिजली से बचाने के लिए यहाँ पे लाइटनिंग रॉड लगाई जाती है जो उस बिजली के ऊपर हिट करते ही जाके जमीन पे उतर जाती है, वरना ये बिजली आपके पूरे घर को खराब कर सकती है, पूरा ध्वस्त कर सकती है, इसमें इतनी पावर होती है। तो इस बिजली के प्रभाव से कम को कम करने के लिए लाइटनिंग रॉड का प्रयोग होता है। ये आर्टिकल कह रहा है कि ये पावरफुल लेजर इन द स्काई हेल्प्स डाइवर्टिंग लाइटनिंग स्ट्राइक। अगर इन जो ये लाइटनिंग रॉड के ऊपर लेजर का प्रयोग अगर कर लिया जाए, जैसे आप देख रहे हैं लाइटनिंग रॉड है यहाँ, अगर लेजर टिप का या लेजर का प्रयोग किया जाए तो फिर इसको हटाने में, इसको डाइवर्ट करने में और भी आसानी होगी। तो होता क्या है, रॉड लगती है, उसमें से जो एक वायर आता है घर के अंदर से या साइड बाय साइड और जमीन में उतार दिया जाता है। तो इसमें इसके फायदा क्या होता है कि बिजली घरों पे नहीं गिरती है, सीधे जाके जमीन में उतर जाती है, जो ये इस तूफान की स्थिति में या बारिश की स्थिति में बहुत फायदेमंद होती है। और सबसे कॉमन लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस है फ्रैंकलिन रॉड, इसको कहा जाता है, जो रॉड दिखाई जा रही है, एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मेटल मास दैट इंटरसेप्ट लाइटनिंग डिस्चार्ज एंड गाइड्स देम टू ग्राउंड। तो इसका काम क्या होता है, बिजली गिरी, इसने इसको इफेक्ट लिया और तार, जो तार है, जो ये पूरा एक सेटअप करा जाता है जब घर बनाए जाते हैं तो उसमें सेटअप किया जाता है, तो जैसे ये गिरी उसने तार के रेफरेंस से जमीन पर उतार दी। तो ये हमारे लिए साइंस वाले सेक्शन में प्री के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाइटनिंग रॉड क्या होती है, फ्रैंकलिन रॉड का क्या मतलब है, और उसमें अगर ये नहीं कि लेजर लगाए कि ना लगाए, क्या वो लेजर उसमें होता है कि लेजर नहीं होता है, कि जो लाइटनिंग रॉड में कोई लेजर होता है, ये स्टडी कह रही है कि अगर उसमें लेजर का प्रयोग किया जाए या जो रॉड है वो लेजर की वायर से बनाई जाए तो इसका प्रभाव और अच्छा हो सकता है, डाइवर्ट हो सकती है। पर क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विश्व में देश हैं जहां तूफानों की वजह से बहुत भयंकर नुकसान होता है इन बिजलियों के गिरने से, इसलिए इस पर रिसर्च होते रहते हैं। और साथ ही साथ जो नई स्टडी ये आई है नेचर फोटोनिक्स में छपी है, उसमें इसको पूरे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप उसकी वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं। पर मेरी समझ से प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक एनालिसिस, आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और आज का डेली न्यूज एनालिसिस का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, इसको जरूर देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे उसमें समझ निकल करके आए हैं जो आपके मेंस और प्री के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, उसको गो थ्रू करिए, पढ़िए, और अगर आपको और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में बहुत जल्दी, तब तक तैयारी करते रहिए।